ब्यूटीफुल वुमेन्स, कैसी हैं आप सब? नमस्कार, मैं हूं अमजित कौर और मेरी ब्यूटीफुल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गए हैं एंड उसमें हम सबको चाहिए कि हम बहुत ही यंग सी स्किन हमारी लगे, लटकती स्किन हम लेके किसी भी शादी या किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करने वाले हैं, है ना। और जेब में हमें पैसे भी बहुत कम होते हैं और टाइम की हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि हाउसवाइफ के पास ढेरों सारे काम होते हैं, है ना। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी जिसे आपने घर पे बनाना है, अपने पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद आपको आपने इसको धोना है। गाइज, आपकी स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट आपको नजर आएगा, स्किन एकदम से यंग, स्मूथ, सॉफ्ट एंड ग्लोसी एंड एकदम से प्लम्पी सी स्किन अगर चाहिए ना तो इसको इस्तेमाल करके जरूर देखेगा। लटकती झुरियों वाली स्किन को आप हमेशा के लिए टाटा बाबा बोल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेमेडी जो हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर का जूस चाहिए। गाजर तो आजकल मिल ही रही है, सीजन चल रहा है ना, तो आपने गाजर का जूस लेना है। और पालक का भी सीजन चल रहा है तो आपने पालक का पेस्ट तैयार करना है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, खाएं भी और फेस पे भी लगाएं, क्योंकि हमें चाहिए झुर्रियों से, लटकती स्किन से हमेशा के लिए छुटकारा। तो आपने पालक के कुछ पत्तों को साफ करना है, मिक्सी में चलाना है और उसका पेस्ट बना लेना है। एक चम्मच आपने ये पालक का पेस्ट एक कटोरे में शिफ्ट कर लेना है। अब इसमें आपने एक चम्मच मुलेठी पाउडर डाल लेना है। मुलेठी पाउडर जो है वो हमारी स्किन से झुर्रियों को, रिंकल्स को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। पालक हमारी स्किन को प्लम्प करने में बहुत हेल्प करती है, स्किन की झुर्रियों को और जो डेड लेयर है उसे खत्म करने में बहुत हेल्प करती है। अब एक चौथाई चम्मच हम इसके अंदर नारियल का तेल डालने वाले हैं ताकि हमारी स्किन पे से जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए। अब हमारे पास जो हमने गाजर का जूस निकाला है वो इसके अंदर डाल देना है और इसका पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट को 20 मिनट तक अपने चेहरे पर अप्लाई करके रखें और जब 20 मिनट हो जाएं तो इसको ऊपर की तरफ मसाज करते हुए, रगड़ते हुए चेहरे से निकाल दीजिए। स्किन एकदम से हेल्दी, सूद एंड सॉफ्ट हो जाएगी। जितनी भी स्किन के ऊपर डेड लेयर्स हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कि कील मुहासे हैं, वो भी बड़े आराम से निकल जाएंगे। स्किन को रिलैक्स करने में, ठंडा करने में ये बहुत हेल्प करती है। एंड स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, माउथ एरिया के पास विंटर स्टार्ट होते ही जो कालापन आना शुरू हो जाता है वो बहुत आराम से जाता है। आप कई बार हमारी मेरी फ्रेंड्स जो है वो बोलती हैं कि हमारे आईलिड एरिया है उसके ऊपर भी ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पे पलकों के ऊपर और हमारा जो दिस वन आईब्रो एरिया है यहाँ पे भी इसको अच्छे से मसाज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फर्क नज़र आएगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। हफ्ते में 3 बार इसका यूज़ करना है और आप अपने स्किन को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। मैन, वीमेन, स्टूडेंट्स, गाइस, सब लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ईजी, बहुत ही किफ़ायती सी रेमेडी है, इस्तेमाल कीजिए। अगर इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बार में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।